मुकेश मील मुंबई। मुकेश मील गाइस मुंबई की एक हॉन्टेड मील है और अक्सर इस मील से भूतों के दिखाई देने या यहां से डरावनी आवाजें सुनाई देने की बातें बताई जाती हैं। पर गाइस ये मुकेश मील हॉन्टेड कैसे बनी और क्यों यहां पर फिल्मों की शूटिंग शुरू करी गई और कैसे यहां पर बहुत सारे एक्टर्स को भूतिया एक्सपीरियंसेस हुए, आइए शुरू से जानते हैं। मुकेश मील को सन 1852 में बनवाया गया था। बेसिकली ये एक कपड़े बनाने की मील थी। सब कुछ सही चल रहा था पर 1970 में एक बार मील में एक शॉर्ट सर्किट हुआ और मील में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से मजबूरन मील को बंद करना पड़ा। मील बंद होते ही कई हजारों वर्कर्स बेरोजगार हो गए थे, बट फॉर्चुनेटली भगवान ने वर्कर्स की फिर से सुनी और ठीक 2 साल बाद यानी 1972 में मील को दोबारा से शुरू किया गया और इस बार मील में और भी मशीनें और भी ज़्यादा काम को बढ़ा दिया गया, जिससे मजदूरों की संख्या भी बढ़ गई। पर लगभग 11 साल बाद फिर से एक बहुत ही भीषण आग इस मील के अंदर लगी और इस बार जो ये आग लगी थी ये पिछली वाली आग से बहुत ज़्यादा गुना बड़ी और कई ज़्यादा गुना खतरनाक थी। इस आग में लगभग सारी मील जल चुकी थी। मील में रखी सारी मशीनें, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सब राख हो चुके थे। पर इससे भी ज़्यादा डरावनी चीज़ ये थी कि बहुत सारे वर्कर भी इस आग में जिंदा जल गए थे। ये मील अब ऑलमोस्ट एक खंडहर बन चुकी थी और 1984 से इस मील को कई सारी फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग के लिए दिया जाने लगा। इस मील में बहुत सारे भूतिया सीरियल्स और मूवीज़ जैसे हम, एक खिलाड़ी एक हसीना, हीरोपंती, लुका छिपी और न जाने कितने मूवीज़ और सीरियल्स की शूटिंग हुई है। गाइस फरदीन खान की एक मूवी एक खिलाड़ी एक हसीना के टाइम पर मुकेश मील में एक चिमनी के पास जब फरदीन खान गए तो उनको वहां पर एक काले रंग का साया दिखाई दिया, जिसके बाद फरदीन खान ने अपने जितने भी वहां यूनिट्स के बंदे थे उनको बोला कि जो भी शख्स उस चिमनी के पास जाएगा वो उसको 10,000 रुपये नगद इनाम देंगे। पर यूनिट में कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जिसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो उस चिमनी के पास जा सके। और सेम ऐसा ही वाक्या एक्ट्रेस काम्या पंजाबी के साथ भी हुआ था, जब वो तकरीबन रात के 8 बजे मुकेश मील के अंदर अपने एक सीरियल बनू में तेरी दुल्हन का एक सीन शूट कर रही थी कि तभी उनको मील के अंदर एक लड़की की परछाई दिखाई दी जो उनको देख के गुर्रा रही थी और बोल रही थी कि चले जाओ यहाँ से, ये हमारी जगह है। जिसके बाद काम्या पंजाबी काफ़ी डर गई थी और उन्होंने ये बात जो है अपने यूनिट्स के कुछ पर्सन्स के साथ डिस्कस भी करी थी। सो गाइस ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मुकेश मील को लेकर, पर आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल।